बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मेरा नाम है साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की विजय संकल्प रैली, पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे सीएम नायब सिंह सैनी। जींद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली होगी, सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे सीएम की जनसभा होगी, तो पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। जींद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली होगी, बताएं कि सीएम नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा होगी, शाम 4 बजे सीएम नायब सिंह सैनी की जनसभा। तो पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा होगा होडल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए थे, और आज अब भी 4 बजे सीएम की जनसभा होगी जिसमें संबोधित करते हुए जनता को नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, जींद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली, जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम? बिल्कुल साधना, 4 बजे का समय दिया गया है, 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे सीएम सैनी और उनका जो संबोधन शुरू होगा वो, और उनके साथ में रहेंगे सुभाष बराला और उनके साथ में जो जींद से विधायक है किशन लाल मेटा वो भी मौजूद रहेंगे और राज्यसभा सांसद बराला, तो तमाम नेतागण सीएम के साथ यहां पर पहुंचेंगे। और 4 बजे का जो समय बताया जा रहा है कि 4 बजे पहुंच जाएंगे। अभी जो जनता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं रैली स्थल पर, और जो कुर्सियां उन पर अभी भीड़ देखने को नजर आने लगी है, जनता वहां पर पहुंच गई है और अपने सीएम का इंतजार जो भाजपा के कार्यकर्ता वो कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप। प्रदीप देखिए, पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम नायब सिंह सैनी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी की जो विजय संकल्प रैली है तमाम जगहों पर हो रही है, और ऐसे में क्या संदेश वो जनता को देते हुए नजर आ सकते हैं प्रदीप? ये देखिए, इन्होंने नाम ही क्या दिया है, विजय संकल्प रैली, तो इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये अपनी जीत का जो संकल्प दिलवाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि विजय संकल्प, जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया है, उसकी जीत को पक्का करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के अंदर कह सकते हैं कि एक उनके अंदर विश्वास भरने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि उनका वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए और पार्टी का